हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू लेक्चर ऑफ इसका। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने कवर किए थे कंट्रोल्स में बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यस, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अपन ने शुरू किया था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज, जिसमें मैंने लिया था एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड फिजिकल कंट्रोल्स, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर कर दिया था। आज अपन लेंगे नया कंट्रोल जो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। क्या स्टडी करेंगे? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। ये सारे कंट्रोल्स अच्छे से समझेंगे और लर्न भी पैरेलली करते जाएंगे। चलिए तो सब आ जाइए मेरे साथ पेज नंबर 3.20 पे। एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 3.20 फटाफट। चलिए आगे सब 3.20 पे, वहां पे आपको मिलेंगे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। मिल रहा है पॉइंट नंबर सी, दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। क्या है सर ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, क्यों ये लगाने जरूरी है, समझिए। सर आज जो मेरे सिस्टम से उन पे थ्रेट या सिर्फ फिजिकली या एनवायरनमेंट के थ्रू ही नहीं आती है सर, इन पे जो थ्रेट है लॉजिकली भी आ सकती है। वायर नेटवर्क भी मेरे कोई डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। तो समझना वो जो लॉजिकली राइट, जो टेक्निकली साउंड पीपल है, जो विदाउट एक्सेसिंग फिजिकली लॉजिकल वे में वायर नेटवर्क्स आ रहे हैं मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे, उसे डिसरप्ट कर रहे, उससे मुझे मेरे सिस्टम को बचाना है, मुझे मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए मैं कौन से कंट्रोल्स लगा रहा हूं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्या सबको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं अपन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। क्या लिखा है? दीज आर कंट्रोल्स रिलेटिंग टू लॉजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। सर कंट्रोल्स लगा रहे ताकि अपन प्रोटेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को, किससे? अनऑथोराइज्ड लॉजिकल एक्सेस से। और कंट्रोल्स में कौन कौन से कंट्रोल्स लग रहे? सर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल लग रहा है, एप्लीकेशन पे कंट्रोल लग रहा है, नेटवर्क पे कंट्रोल लग रहा है, एनक्रिप्शन हो रहा है। तो ये सर एग्जाम्पल्स हो गए किसके, जो कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में। क्लियर रहना, सारी चीजें समझ में आएगी। चलते हैं आगे। क्या लिखा है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड टू एंश्योर दैट एक्सेस टू, देखो ये क्यों लगा रहे कंट्रोल्स, टू एंश्योर दैट एक्सेस टू सिस्टम्स कॉमा डेटा एंड प्रोग्राम्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सन। सर ये जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम्स है, उन्हें सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर सिस्टम बेस्ड मैकेनिज्म्स यूज्ड टू डिजाइनेट हु कैन हैव एक्सेस टू स्पेसिफिक रिसोर्स। देखो इसका एग्जांपल देता हूं लाइव, आप सबने यूज किया होगा, जब भी आप टैली यूज करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा एक्सेस राइट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो सिर्फ डेटा को एंटर कर सकता है, वो कभी भी बैलेंस शीट को व्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी एक्सेस राइट क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का हुआ। एक और सिंपल एग्जाम्पल, आपको अगर टैली को एक्सेस करना है तो यू नीड टू एंटर आईडी एंड पासवर्ड। किसका एग्जाम्पल हुआ? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का एग्जाम्पल हुआ। तो आई होप आप सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नीचे क्या लिखा है? Assessing logical access controls involves evaluating the following critical procedures. A, logical access controls restrict users to authorized transactions. Sirf authorized transaction user kar sakta hai. Logical access controls over network access. Sirf authorized user hi network ko access kar sakta hai. And controls to protect integrity of application. Matlab usme koi bhi unauthorized way mein changes nahi kar sake. To I hope pura concept aap sabko samajh mein aa gaya hoga. Isme koi doubt nahi hoga. To ek part apna complete hota hai. That is इंट्रोडक्शन। लर्न कर लेना, बिकॉज दे कैन आस्क यू एन एग्जाम व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो आपको एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही याद होना जरूरी है। चलते हैं आगे, आते हैं पेज नंबर 3.21 पे। एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 3.21, आपको मिलेगा उसमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, जिसमें पांच पार्ट दिए हुए हैं। क्या सबको पांच पार्ट मिल रहे हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में? पहला पार्ट है लॉजिकल एक्सेस पाथ। सर्कल द वर्ड पाथ। किसकी बात करें? पाथ, कौन कौन से मीडियम से एक पर्सन मेरे सिस्टम में एंटर हो सकता है। अभी करेंगे पॉइंट, किसकी बात चल रही है? पाथ की। सेकेंड पॉइंट, लॉजिकल एक्सेस से रिलेटेड क्या क्या इशूज एंड एक्सपोजर्स है, मतलब कौन कौन से इशूज हो सकते हैं लॉजिकल एक्सेस से रिलेटेड, और वो अगर होते तो क्या इंपैक्ट आएगा, क्या एक्सपोजर आएगा। तो सर्कल करना इश्यूज एंड एक्सपोजर्स। तो दो चीजें अभी हाईलाइट करी, एक तो पाथ्स बोला,
एक बताया इश्यूज एंड एक्सपोजर्स, अगला आ रहा है लॉजिकल एक्सेस इश्यूज एंड रिवल्यूशन. क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एक्सेस इश्यूज एंड रिवल्यूशन. सर्कल द वर्ड इश्यूज एंड रिवल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. सर्कल द पॉइंट वायलेटर्स एंड कंट्रोल. तो बेसिकली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है. हर पार्ट को एक एक करके इंडिविजुअली अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. तो चलिए लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट. कौन सा आ रहा है? लॉजिकल एक्सेस पार्ट्स. एवरीवन, क्या मिल रहा है फर्स्ट पॉइंट? लॉजिकल एक्सेस पास. और इसे याद करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूं. देखो, सब ऑब्जर्व करना, नोट करना, याद हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल, ये मेरा है एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर. ये मेरा क्या है? आईटी इंफ्रा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस आईटी इंफ्रा में ये है मेरा सर्वर. सब मेरे साथ रहना, सुनते रहना. ये आईटी इंफ्रा में मेरा क्या है? एक सर्वर. सर्वर कनेक्ट होता है किसके साथ? सर, क्लाइंट्स के साथ. ये C1 मेरा क्लाइंट है, C2 मेरा क्लाइंट है, C3 मेरा क्लाइंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन्हें मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसे? सर्वर के साथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो समझा रहा हूं, ओके, आपको आइडिया आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. आगे, सर्वर एक चीज ली मैंने, नेटवर्क दूसरी चीज ली, क्लाइंट्स लिए. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अब देखते हैं, अगर सर्वर तक पहुंचना है तो पहला तरीका है कि कोई भी पर्सन ये क्लाइंट को एक्सेस करेगा. क्लाइंट के थ्रू कहां तक पहुंचेगा? सर्वर तक पहुंचेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहली चीज क्या बता रहा हूं, कोई भी पर्सन क्लाइंट में जैसे एंटर करेगा वो किसे एक्सेस कर पाएगा? सर्वर को एक्सेस कर पाएगा. तो पहला लॉजिकल एक्सेस पाथ क्या हुआ? ये क्लाइंट, जिसे क्या बोला गया है? ऑनलाइन टर्मिनल. क्या बोला गया है? ऑनलाइन टर्मिनल. सब कंफर्टेबल हो? फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ऑनलाइन टर्मिनल. अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर आपको अनऑथराइज एंट्री रोकनी है तो आप कैसे रोकोगे? आप ये बोलोगे, ये जो ऑनलाइन टर्मिनल है उसमें आईडी पासवर्ड लगा दीजिए, ताकि जिसके पास, जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके पास कंसर्न आईडी पासवर्ड रहेगा, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकते. तो फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर होगा, हो रहा होगा आपका, ऑनलाइन टर्मिनल. चलिए पढ़ते क्या लिखा है. To access an online terminal, a user has to provide valid ID and password. Highlight करो, online terminal को access करने के लिए क्या provide करना जरूरी है? ID and password. If additional authentication mechanisms are added along with password, it will strengthen the security. अगर आप और भी security mechanisms add करते हो तो उससे security और बढ़ जाएगी. But अभी अपने लिए main point क्या हो गया? ID and password. क्या सबको first logical access path समझ में आया? Great, समझ में आ रहा होगा. चलते हैं आगे. अब एक देखिए की पॉइंट बता रहा हूं. ये सर्वर है, सर्वर को कितने क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे? C1, C2, C3. मतलब जो ये सर्वर को ओन कर रहा है, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसे ये देखना है कि सर्वर का यूसेज कैसा हो रहा है, कौन से क्लाइंट से कितना वर्कलोड आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी सर्वर पे आ रही है, कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. इन शॉर्ट, वन हैज टू मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ सर्वर. क्या बोल रहा हूं? इन शॉर्ट क्या करना जरूरी है? वन हैज टू मॉनिटर व्हाट? एक्टिविटीज ऑफ सर्वर. तो ये एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए लगाया जाता है एक ऑपरेटर कंसोल. क्या लगाया जाता है? ऑपरेटर कंसोल. और ऑपरेटर कंसोल सर्वर की एक्टिविटीज को क्या करता है? मॉनिटर करता है. एज सिंपल एज दैट. यस, सो देखो दूसरा एक्सेस पॉइंट क्या हो रहा है? ऑपरेटर कंसोल. बिकॉज ये इसे मॉनिटर कर रहा है एंड मैनेज भी कर रहा है. याद रखना, ऑपरेटर कंसोल मॉनिटर्स एंड मैनेजर्स सर्वर्स एक्टिविटी. तो अगर किसी को इससे भी एक्सेस मिलता है तो किसे एक्सेस कर सकता है? वो सर्वर को कर सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड व्हाट वी हैव टू इंश्योर कि अनऑथराइज्ड पर्सन कभी भी इसे एक्सेस नहीं करे. तो चलिए पढ़ते पॉइंट नंबर 2, दैट इज व्हाट? ऑपरेटर कंसोल. The operator console is one of the crucial places where any intruder can play a havoc. कोई भी intruder अगर आता है सर, तो havoc हो जाएगा, बहुत disruption हो जाएगा, impact बहुत severe आ जाएगा. तो आगे क्या लिखा है? Hence, operator console must be at place which must be restricted by keeping operator console at a place which is visible to all. सर, ऐसी जगह रखो कि आप देख सको कौन उसे access कर रहा है. आपको पता चलना चाहिए जो person access कर रहा है वो authorized है या नहीं है. And second point क्या बोल रहा है? Keeping operator console protected in a room accessible only to all selected persons. मतलब suppose अगर किसी room में है, उसमें क्या लगाओ सर? आप ID password लगा लो doors पे, door पे biometric lock लगा लो. जो भी अगर वो lock का जो भी security mechanism है अगर fulfill करेगा, तभी वो अंदर एंटर हो पाएगा, नहीं तो वो एंटर नहीं हो पाएगा. What I'm trying to say is, जो भी authorized and authenticated person है, वो ही उस रूम को एक्सेस कर पाएगा, और रूम को एक्सेस करके फिर ऑपरेटर कंसोल को एक्सेस
एक्सेस कर पाएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल। दो पॉइंट बहुत अच्छे से हो गए। पहला पॉइंट हुआ ऑनलाइन टर्मिनल, सेकंड पॉइंट हुआ ऑपरेटर कंसोल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। चीज समझिए, ये जो भी कंप्यूटर्स है उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना रहेगा। कनेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? नेटवर्क्स। ये क्या यूज करते हैं? नेटवर्क्स। जिसमें पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने डायल अप पोर्ट्स का। किसका ले रहा हूं? डायलप पोर्ट्स का। अब डायलप पोर्ट्स को समझना है तो उसे समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा लाइव एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सके। आपने सुना होगा आज से अराउंड यू कैन से 10 years back, कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 years से भी ज़्यादा की बात कर लो, अराउंड 12 years back रिलायंस का एक डायलप कनेक्शन आता था, इंटरनेट डायलप कनेक्शन, जिसमें आप क्या करते थे, एक नंबर डायल करते थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। जब आप डायल करते थे, आप डायल करने के साथ साथ आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करते थे और उसके बाद में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाता था। हाँ या ना? सिमिलरली यहां भी डायलअप जो पोर्ट्स है उसमें भी इसी वे में होगा कि आप एक नंबर डायल करेंगे। जैसे ही आप नंबर डायल करते हैं तो क्या होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, लेकिन उसे करने के लिए इट विल आस्क फॉर पासवर्ड। आपको क्या प्रोवाइड करना है? पासवर्ड प्रोवाइड करना है। तो आई होप एक सिमिलर लाइन समझ में आ रहा है। डायलअप लाइंस में यू हैव टू डायल अ नंबर, यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन। आप सामने वाली पार्टी को बोलते हो मुझे आपसे कनेक्ट होना है। जब आप कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपसे आपका आईडी और पासवर्ड मांगता है। जब आप आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हो चीजें वेरीफाई होती है, ऑथेंटिकेट होती है, तभी एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाता है। बट ये तो कंसेप्ट हुआ। अब इसमें एक और मेन पॉइंट आ रहा है। अगर मैं डायलअप पोर्ट्स के लिए जा रहा हूं उसमें मैं क्या यूज करूंगा? टेलीफोन लाइंस। क्या यूज करूंगा? टेलीफोन लाइंस। देखो डायलअप कनेक्शन में भी क्या यूज हो रहा था रिलायंस के टाइम में? डायलअप टेलीफोन लाइंस यूज हो रहा था। ये क्यों बोल रहा हूं आपको ये पता चलेगा, इसलिए जब भी आप डायलअप कनेक्शन एक्टिवेट करते थे आप फोन कॉल रिसीव नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो अभी टेलीकम्युनिकेशन लाइन है वो किसके लिए यूज हो रही है? फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड अगर कभी फोन कॉल रिसीव भी कर लेते थे तो बहुत डिस्टर्बेंस आता था। हमेशा यही बोलते थे आप अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद करिए, फिर हमसे फोन पे क्या करिए, बात करिए। तो सिमिलर कंसेप्ट है इसमें भी। अब सर अगर मैं टेलीफोन लाइन यूज करूंगा तो एक बहुत बेसिक चीज आ रही है जो समझनी जरूरी है कि टेलीफोन लाइन पे सिग्नल्स जाते हैं एनालॉग फॉर्म में। कौन से फॉर्म में जाते हैं? एनालॉग फॉर्म में। सो एनालॉग सिग्नल्स जाते हैं किस पे? टेलीफोन लाइन में। एंड कंप्यूटर समझता है डिजिटल, दैट इज 0 and 1। अपन सब समझ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, अपन पहले ही आईपीसीसी में पढ़ के आए कि टेलीफोन लाइन पे सर जाता है एनालॉग और कंप्यूटर समझता है डिजिटल। अब अगर समझो ये केस ले रहा हूं, मेरे क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है सर्वर के साथ वायर टेलीफोन लाइन इंटरनेट कनेक्शन है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो देखो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल जा रहा है, लेकिन टेलीफोन लाइन पे क्या जा सकता है? सिर्फ एनालॉग। तो मैंने एक मॉडेम लगाया। क्या लगाया? मॉडेम। दिस इज व्हाट माय मॉडेम इज। मॉडेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडेम क्या करेगा? जो डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर भेज रहा है उसे कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एनालॉग सिग्नल्स में। और वो जाएंगे किस पे? टेलीफोन लाइंस पे। एंड वापस से रिसीवर एंड के वहां पे एक मॉडेम लगा होगा जो एनालॉग को फिर से किसमें कन्वर्ट करेगा? डिजिटल में। और जाएगा किसके पास? सर्वर के पास। तो एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सर जब भी टेलीफोन लाइन यूज करेंगे इट इज मैंडेटरी टू यूज अ मॉडेम। व्हाई? बिकॉज टेलीफोन लाइंस पे कौन से सिग्नल जा रहे हैं? एनालॉग। एंड कंप्यूटर क्या समझ रहा है? डिजिटल। एंड ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, दैट इज परफॉर्म्ड बाय मॉडेम। आई होप यू आर कंफर्टेबल। सबको समझ में आया होगा। चलिए एक बार अपन रीड करते हैं डायलअप पोर्ट्स। क्या रीड करेंगे? डायलअप पोर्ट्स क्या लिखा है? Using a dial-up port, user at one location can connect remotely to another computer. User एक location पे जो है वो दूसरे computer के साथ connect कर सकता है. Present at unknown location via communication, telecommunication media and modem. Highlight करो. Telecommunication media में what do we mean over here is telephone line. क्या use कर रहे? Telephone lines and modems. So second point लिखा है. Modem acts as the interface between the terminal and telephone line. आप देखिए modem किसके बीच में आ रहा है? Terminal and टेलीफोन लाइन के बीच में आ रहा है। टर्मिनल एंड टेलीफोन लाइन के बीच में आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सिक्योरिटी इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिमोट यूजर टू डिटरमाइन ऑथराइज्ड एक्सेस। अब सिक्योरिटी कैसे अचीव करेंगे? मैंने बताया था अगर मैं किसी और के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने उन्होंने नंबर क्या किया था? डायल किया था। अब सामने वाले यूजर को कंफर्म करना है, सामने जो पार्टी है उसे कंफर्म करना है कि जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने चाहता है वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं। समझ रहे हो? सपोज आपके साथ मैं अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं वो मैं जेन्युइन पर्सन हूं या नहीं। तो आप क्या मांगेंगे मेरे से? फॉर एग्जांपल माय आईडी एंड पासवर्ड। गेटिंग अ पॉइंट? दैट्स अ पॉइंट नंबर 3।
एंड फोर्थ पॉइंट है डायल बैक लाइन एंश्योर सिक्योरिटी. एक और एग्जांपल दिया है किसका, डायल बैक लाइन का, जिसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कॉल बैक डिवाइसेस. क्या लिखेंगे, कॉल बैक डिवाइसेस. और इसका कंसेप्ट मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा. यस, तो इसके साथ तीन पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर, कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं टेलीफोन लाइन से यूज करें, हम नॉर्मली भी कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग नॉर्मल केबल्स. आपने सुना होगा आपके ऑफिस में लैन होता है, अब लैन को कनेक्ट करने के लिए यू डोंट हैव टू यूज टेलीफोन लाइंस, राइट. आप एक केबल लीजिए, दोनों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए दोनों के सिस्टम्स में, और आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. तो जो फंडा बोल रहा हूं समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज व्हाट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें जनरल चीजों की बात की. आप एग्जाम में ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लीजिए लैन, क्या लिखेंगे, लैन लोकल एरिया नेटवर्क. तो देखिए क्या लिखा है, इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अ नंबर ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल्स पर्सनल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टू द होस्ट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स. यस, एग्जांपल ले लीजिए आप लैन का. और इसके साथ मैंने बताया कौन कौन से लॉजिकल एक्सेस पाथ्स हो सकते हैं. एक तो हो गया ऑनलाइन टर्मिनल, एक हो गया ऑपरेटर कंसोल, एक हो गया डायल अप पोर्ट जिसमें आप टेलीकम्युनिकेशन लाइन यूज कर रहे हो जिसके थ्रू भी आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, एंड एक हो गया नॉर्मल नेटवर्क्स. कंफर्टेबल एवरीवन? बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, कनेक्ट करने के मीडियम्स हो गए. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है सर, हम या तो यूज करेंगे टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और करेंगे पॉइंट. फोर्थ बोल रहा है या फिर हम यूज करेंगे डायलअप पोर्ट्स, राइट. सो कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए कैसे नेटवर्क्स होंगे, वो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा है. और इसके साथ अपने पूरा लॉजिकल एक्सेस पास कवर किया है. गिविंग यू 5 मिनट्स, अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लूंगा, दैट इज लॉजिकल एक्सेस इश्यूज एंड एक्सपोजर. शुरू करिए. चलिए, आई होप आप सब कंफर्टेबल होंगे. अब आप देखेंगे सी पॉइंट टू, तो वो रीड क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर उसके बाद अपन आएंगे पेज नंबर 3.22 पे और आपको मिलेगा सी पॉइंट 3 जो कि है इश्यूज एंड रेवल्यूशंस रिलेटिंग टू लॉजिकल एक्सेस. मिल रहा है सबको सी पॉइंट 3, उसके अंदर आपको देखिए 4 सब पार्ट्स मिलेंगे. पॉइंट नंबर ए इज टेक्निकल एक्सपोजर्स, पॉइंट नंबर बी कंप्यूटर क्राइम्स, पॉइंट नंबर सी एसिंक्रोनस अटैक्स, एंड पॉइंट नंबर डी कंट्रोलिंग रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. चारों के चार पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा हूं मैं, चारों के चार पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ जो कि है टेक्निकल एक्सपोजर्स. अब आप देखिए टेक्निकल एक्सपोजर्स बहुत टाइप के दिए. टेक्निकल एक्सपोजर्स वो एक्सपोजर्स है जिससे डेटा पे इंपैक्ट आ सकता है, आपके सिक्योरिटी पे इंपैक्ट आ सकता है, वो एक्सपोजर्स की बात की गई है. देखिए कितने दिए हुए, 7. सबसे पहले नेम्स रीड करते हैं और आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये वर्ड्स आपने क्या कभी पहले सुने हैं या नहीं सुने. फर्स्ट आ रहा है आपके सामने डेटा डिडलिंग. क्या आ रहा है, डेटा डिडलिंग. सेकंड आ रहा है बॉम्ब्स. एवरीवन विद मी, सेकंड क्या आ रहा है, बॉम्ब्स. थर्ड आ रहा है ट्रोजन हॉर्स. थर्ड कौन सा आ रहा है, ट्रोजन हॉर्स. फोर्थ आ रहा है वर्म्स. फोर्थ कौन सा आ रहा है, वर्म्स. फिफ्थ आ रहा है राउंडिंग डाउन. सिक्स्थ आ रहा है सलामी. सेवन्थ आ रहा है ट्रैपडोर्स. टोटल 7 हैं. ये 7 डिस्कस करके लर्न करने और समझने और लर्न करने. अगेन 7ों के साथ का एक मैं नाम वापस से ले लेते हैं. फर्स्ट क्या आ रहा है, डेटा डिडलिंग. सेकंड है बॉम्ब्स. थर्ड है सर ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन्स बोलते हैं जिन्हें जनरली, राइट. फोर्थ आ रहा है वर्म्स. फिफ्थ आ रहा है राउंडिंग डाउन. सिक्स्थ आ रहा है सर सलामी. सेवन्थ आ रहा है आपका ट्रैपडोर्स. कंफर्टेबल? तो चलिए शुरू करते हैं, रिवर्स में जाते हैं, सलामी से शुरू करते हैं, ट्रैपडोर से शुरू करते हैं और मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर ट्रैपडोर्स? आपने आईपीसीसी में या कहीं ना कहीं ये ट्रैपडोर जरूर सुना होगा. ब्रैकेट में लिख दीजिए बैकडोर्स. क्या है ये, बेसिकली बैकडोर्स. लिख दीजिए बैकडोर्स. सो क्या होते हैं ट्रैपडोर्स? बेसिकली जो भी आप अगर आपके सिस्टम में अगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म से अगर आप उन्हें बाईपास करते हैं, वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को बाईपास करके सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, तो जिसके थ्रू आप बाईपास कर पा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ट्रैपडोर्स. सो ट्रैपडोर्स आर नॉर्मली नोन एज व्हाट, बैकडोर्स. क्यों, समझो एक सिंपल से एग्जाम्पल, आपका घर है, घर में आगे फ्रंट डोर है वो है लॉक्ड और बैक डोर है जो कि लॉक नहीं है. तो आप फ्रंट से कोई एंटर नहीं कर रहे, कहां से कर रहे हो, बैक से कर रहे हो. फ्रंट से करते तो क्या होता, वो लॉकिंग मैकेनिज्म को आपको खोल के जाना पड़ता, लेकिन नहीं सर हम लॉक्स नहीं ओपन कर रहे, हम बाईपास कर रहे, हम बैक से जा रहे हैं अंदर, बैक साइड से इनसाइड जा रहे हैं. तो ये क्या हो गया हमारा सर, ट्रैपडोर्स. इसका एक एग्जांपल देता हूं रिलेट करने के लिए, समझने की कोशिश करना.
आप सब जब भी गेम्स खेलते होंगे राइट, तो उसमें चीट कोड्स आते हैं। यस, आप सबने सुना होगा चीट कोड्स, आपने गेम्स खेले होंगे। लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने के लिए जनरली वो पूरा लेवल क्लियर करना रहता है, लेकिन अगर आप चीट कोड टाइप करते हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। आपको लेवल 1 क्लियर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली किस पे चले जाएंगे, लेवल 2 पे। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट्स अ ट्रैप डोर्स। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है इन दिस टेक्निक। Perpetrator enters the system. कोई perpetrator enter करेगा system में using what? Backdoor. तो circle the word backdoor that bypasses normal system controls. सर ये backdoor क्या कर रहा है? Bypass कर रहा है किसे? Normal system के controls को। तो I hope you are conceptually clear about trapdoor. सबको मतलब समझ में आ रहेगा। You are basically bypassing normal security controls. Comfortable? चलिए चलते next point पे जो कि आ रहा है सलामी technique. क्या आ रहा है सर? सलामी technique. अब देखिए जब अपन पढ़ेंगे वील डिफरेंशिएट सलामी टेक्निक विद राउंड डाउन टेक्निक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सलामी टेक्निक एंड राउंड डाउन टेक्निक। क्या पूछेंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन सलामी टेक्निक एंड राउंड डाउन टेक्निक। कंसेप्चुअली क्लियर होंगे और समझेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में बैलेंस है, से फॉर एग्जाम्पल 1 lakh rupees, या आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है जिस जो फिगर आ रहा है जिसका 1 lakh 0.78 rupees। आर यू विथ मी? कितना आ रहा है? 1 lakh 0.78 rupees राइट। किसी और ने ट्रांजेक्शन किया है 1000.89 rupees का। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? पॉइंट्स में है फिगर्स। अब मुझे आपको समझाना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सलामी एंड राउंड डाउन टेक्निक। तो ले लो केस ए एंड ले लो केस बी। आर यू विथ मी? सलामी टेक्निक क्या बोलता है? जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे, जो भी वैल्यू के ट्रांजेक्शन हो रहे, सब में से एक काम करो, 50 पैसा डिडक्ट कर दो। सब में से क्या करो? 50 पैसा डिडक्ट कर दो। मतलब चाहे वो 1 lakh का ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो 1000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब में से 50 पैसा क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो, डिलीट कर दो, डिडक्ट कर दो। तो अब देखो जनरली जो भी कस्टमर होता है, ये बैंक्स में होते फ्रॉड्स हुआ करते थे या होते हैं, इसमें क्या होता है, अब कस्टमर 50 पैसे के लिए कभी कहीं जाएगा नहीं राइट। लेकिन आप एक चीज समझो, बैंक में जो वॉल्यूम है ये ट्रांजेक्शन का बहुत ह्यूज होता है। यही 50 पैसा करके जब आप ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे देखते हो, तो जो सम है, जो अमाउंट है, वो क्रोर्स में चला जाता है। मतलब फ्रॉड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसे क्या बोला गया है? बेसिकली सलामी टेक्निक के। सर हर ट्रांजेक्शन में से एक फिक्स्ड अमाउंट को डिटेक्ट कर दो और डिटेक्ट करके एक अनऑथराइज अकाउंट में डाल दो, और इस फ्रॉड को क्या बोलते हैं अपन? सलामी टेक्निक। तो चलिए आते पॉइंट नंबर 6 पे। पहले कंसेप्ट समझेंगे सलामी टेक्निक का, क्या बोल रहा है। This involves slicing. देखो deduct करो, slicing के ऊपर लिखो deducting, right? Slicing a small amount of money. मैंने कितने लिए? सर 50 पैसे। बहुत बहुत trivial amount, बहुत छोटा amount लिया है, 50 पैसा लिया है of denomination and transferring these small fractions to unauthorized account. मैंने ये small fractions को कहाँ पे transfer कर दिया? Unauthorized account में। Comfortable everyone? चलो good. आते हैं ऊपर राउंडिंग डाउन में। अब राउंडिंग डाउन में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखो दो ट्रांजेक्शन हुए, 1 lakh 0.78, 1 lakh 1000.89। अगर मैं राउंडिंग करता हूं तो 78 क्या हो जाएगा? से फॉर एग्जाम्पल 0.8 राइट। राउंडिंग का कंसेप्ट पता होगा, 5 के ऊपर है तो क्या हो गया? 0.8 हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता? 0.9 हो जाता। सब मेरे साथ हो, क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे राउंड हम डाउन कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल 0.78 की जगह हमने कर दिया 0.70, 0.89 की जगह कर दिया हमने 0.80। तो समझो जो 0.08 है, 0.09 है, वो अमाउंट कहाँ जा रहा है सर? अनऑथराइज्ड अकाउंट में। मतलब राउंडिंग डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? राउंडिंग डाउन हो रहा है। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जो पैसे में अमाउंट आ रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन में होगा, वो कहाँ पे जा रहा है सर? अनऑथराइज्ड अकाउंट में जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्या डिफरेंस है बिटवीन सलामी टेक्निक एंड राउंडिंग डाउन टेक्निक? आ रहा है यानी दिमाग में क्वेश्चन? यस। तो डिफरेंस समझो, सर सलामी में तो एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होगा, कोई भी वैल्यू का ट्रांजेक्शन हो, कोई भी नेचर का ट्रांजेक्शन हो, सब में से एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट कर दिया। लेकिन राउंडिंग डाउन में क्या हो रहा है? जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0.08 गया, यहाँ पे 0.09 गया। तो अमाउंट क्या कर सकता है? डिफर कर सकता है, जो अनऑथराइज अकाउंट में जा रहा है कहाँ पे? राउंडिंग डाउन में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इसके साथ क्या कंप्लीट किया अपन ने? राउंडिंग डाउन टेक्निक। चलिए पढ़ते फटाफट क्या लिखा राउंडिंग डाउन
countdown में this refers to rounding off small fraction of a denomination. Small fraction को मैंने round down किया and transferring these small fractions into unauthorized account. ये small fractions को मैंने unauthorized account में क्या कर दिया है? Transfer कर दिया है. I hope you are comfortable. सबको rounding down समझ में आया होगा. आप examples लिख सकते थे कि आपको याद रहे. 0.78 को 70 किया तो 0.08 हुआ. 0.89 को 0.80 किया तो 0.09 हुआ. This is what your rounding down technique is. Excellent. यहाँ तक तीन चीज़ें बहुत क्लियर हो गई. ट्रैपडोर्स भी समझ में आया सर, हमारे को सलामी भी समझ में आया, हमारे को राउंडिंग डाउन भी समझ में आया. अब बात है वर्म्स पे समझना. वर्म्स, वर्म्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ट्रैफिक क्रिएट करना. वो आपके सिस्टम में आएंगे, ट्रैफिक क्रिएट करेंगे, नेटवर्क पे ट्रैफिक क्रिएट करेंगे, आपके सिस्टम के मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिससे जो भी चीज़ें, चाहे वो नेटवर्क हो चाहे आपका सिस्टम हो, वो स्लो हो जाता है. क्या हो जाता है? स्लो. बिकॉज सारी जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वर्म्स ऑक्यूपाई कर लेता है. ये तो एक पॉइंट हुआ वर्म्स का. सेकेंडली, वर्म्स को अगर रेप्लिकेट करना है, खुद को बढ़ाना है, तो उसे किसी और की जरूरत नहीं, कोई होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, उसे एक्टिवेट करने के लिए किसी यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. जो वर्म्स है वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं. मतलब समझ लो, अगर आपके अगर नेटवर्क में या आपके सिस्टम में वर्म्स आ गए तो वो खुद ही अपने आप खुद को स्प्रेड करते जाएंगे और आपके पूरे सिस्टम को स्लो कर देंगे. तो ये है मेन कंसेप्ट अभी आपके लिए वर्म्स का. आई होप सबको वर्म समझ में आए होंगे. चलिए पढ़ते हैं वर्म्स. देखो क्या लिखा है. अ वर्म डज नॉट रिक्वायर होस्ट प्रोग्राम टू रीलोकेट इटसेल्फ. हाईलाइट करो, डज नॉट रिक्वायर होस्ट प्रोग्राम. मैंने क्या बोला? किसी एप्लीकेशन, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है वर्म्स को खुद को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए. वो सेल्फ वे में रेप्लीकेट होते हैं, खुद को अपने आप ही बढ़ाते जाते हैं और मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करते जाते. दस अ वर्म प्रोग्राम कॉपीज इटसेल्फ टू अनदर मशीन ऑन द नेटवर्क. वो खुद ही क्या करता है? नेटवर्क पे खुद को बढ़ाता जाता है. अगर कोई नेटवर्क दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो उसमें भी चला जाता है और वहां पे भी जाके खुद को क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है, बढ़ता रहता है. एग्जांपल्स, एग्जांपल का पहला एग्जांपल ले लेते हैं, वो याद कर लो काफी होगा. क्या लिखा है? एग्जिस्टेंशियल वर्म. इट डज नॉट कॉज डैमेज. आपके वायरस जैसे फाइल्स फोल्डर्स को वो करप्ट नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? इट ओनली कॉपीज इटसेल्फ टू सेवरल प्लेसेस इन द कंप्यूटर नेटवर्क. वो खुद को कॉपी करता रहता है, जिससे जो मेमोरी स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता रहता है और आपका सिस्टम स्लो हो जाता है. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. वर्म्स आर मलिशियस प्रोग्राम्स दैट अटैक अ नेटवर्क बाय मूविंग फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस एंड क्रिएट अनडिजायरेबल ट्रैफिक. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सर्कल द वर्ड अनडिजायरेबल ट्रैफिक. सर वर्म सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं? अनडिजायरेबल ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, जिससे वो स्लो हो जाते हैं. दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन दैट दे रेप्लिकेट और गेट एक्टिवेटेड ऑन देयर ओन. सर वो खुद को अपने आप ही एक्टिवेट करते हैं, उन्हें किसी यूजर की या किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है. देखो वायरस में जनरली क्या होता है, अगर वायरस को एक्टिवेट करना है तो जिस फाइल में वायरस है उसे आपको ओपन करना जरूरी है. जिस पेन ड्राइव में अगर वायरस है, तो इफ यू आर यूजिंग अ फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, अगर आपको उसमें वायरस है उसे एक्टिवेट होना है तो उस पेन ड्राइव को ओपन करके उस फोल्डर को एग्जीक्यूट करना जरूरी है. बट वर्म्स के केस में ये नहीं है. अगर आपके पेन ड्राइव में वर्म्स है, आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया, तो वो पेन ड्राइव से कहां चले जाएंगे? सिस्टम से चले जाएंगे. तो आई होप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है और इसके साथ क्या कंप्लीट कर रहे हैं अपन? वर्म्स. तो चार टॉपिक एकदम अच्छे से याद हो गए, वर्म्स, राउंडिंग डाउन, सलामी एंड ट्रैपडोर्स. कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. अब आते हैं अपन किस पे? ट्रोजन हॉर्स पे. लिखो ट्रोजन हॉर्स के ब्रैकेट में लिख दो एक तो स्पाई सॉफ्टवेयर. क्या लिखेंगे? स्पाई सॉफ्टवेयर. राइट. अब ट्रोजन हॉर्स बेसिकली स्पाइस सॉफ्टवेयर है. वो अगर आपके सिस्टम में आ गए तो वो आपके सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे. क्या करेंगे? वो आपके सिस्टम की एक्टिविटीज़ को जनरली मॉनिटर करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बना के जो ओनर ऑफ ट्रोजन हॉर्स है, जिसने वो ट्रोजन हॉर्स बनाया है, जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे वो उसे सबमिट कर देगा. सो बेसिकली सिस्टम की एक्टिविटीज़ किसके पास जा रही है? जो ट्रोजन हॉर्स जिसने बनाया है उसके पास जा रही है. देखिए इसी चीज़ की वजह से आपने सुना होगा वर्चुअल कीपैड करके एक चीज़ आती है. जब आप नेट बैंकिंग जाते नेट बैंकिंग पे जब आप जाते हैं नेट बैंकिंग के लिए जाते हैं तो जो भी बैंक की वेबसाइट है ओवर देयर यू विल फाइंड अ वर्चुअल कीपैड, जिस पे अगर आपको कोई भी चीज टाइप करनी है तो यू क्लिक बटन्स ऑफ योर माउस. आप माउस के बटन से क्या करते हो? चीजों को
एंटर करते हो, कभी भी कीबोर्ड यूज़ नहीं करते हो। क्यों सर? रीज़न है समझना, अगर आपके सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स हुए तो आपकी कीबोर्ड की सारी एक्टिविटीज़ को वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। वो देखेंगे आप कौन सी की प्रेस कर रहे हो, फिर कौन सी की प्रेस कर रहे हो, और उसका पूरा एक रिपोर्ट बन के किसके पास चली जाएगी सर, ट्रोजन हॉर्स के ओनर के पास चली जाएगी। इसलिए हमेशा कहते हैं ऑलवेज यूज़ व्हाट्सएप, वेर एवर पॉसिबल गो फॉर वर्चुअल कीपैड, क्योंकि उस चीज़ को ट्रोजन हॉर्स कॉपी नहीं कर सकते। कंफर्टेबल एवरीवन, इट इज़ व्हाट्सएप अ स्पाई सॉफ्टवेयर। ये तो एक पॉइंट हुआ कि ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या करता है। ट्रोजन हॉर्स इसके साथ में बहुत सारी और चीजें कर सकता है, लाइक आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है, फाइल्स को थोड़ा चेंज कर सकता है, ये भी एक्टिविटीज ट्रोजन हॉर्स कर सकता है। डिपेंड करता है वो ट्रोजन हॉर्स को किस पर्पस के लिए बनाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में आता कैसे। देखिए, जनरली आप परचेज करते हो कोई भी लेजिटिमेट, मतलब जेन्युइन प्रोग्राम आप परचेज करते हो, तो उसके साथ में जो प्रोग्राम का ओनर है वो खुद का एक क्या लगा देता है, ट्रोजन हॉर्स लगा देता है साथ में। तो आप जिस पर्पस के लिए जिस प्रोग्राम को खरीद रहे हो वो पर्पस तो आपका सेटिस्फाई होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैक एंड में साथ में एक ट्रोजन आया है जो आपकी हर एक्टिविटी को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। आपने अगर ट्रॉय करके एक मूवी आई थी ब्रैड पिट की, यस इट वॉज वेरी फेमस मूवी, आपने देखा होगा, ट्रॉय में इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, ये उसी के नाम से ट्रोजन्स आए हैं। सो बेसिकली देर वॉज अ किंगडम जिसकी वॉल्स को ब्रीच करना पॉसिबल नहीं था। जो चीज़ बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना, कैसे ट्रोजन्स एक्ट कर रहे हैं, राइट? ट्रॉय करके एक मूवी आई थी जिसमें किंगडम था, बताया गया था एक किंगडम है जिसकी वॉल्स को हर कोई ब्रीच नहीं कर सकता। तो एक जो भी पर्सन था जो ब्रीच करना चाहता था, एक रूलर था या एक किंग था समझ लो, जो उस प्लेस की वॉल्स को ब्रीच करना चाहता था, बट अब वो ब्रीच करे तो करे कैसे? तो जहाँ पे वो वॉल्स थी, वो वॉल थी उस किंगडम पे जो लोग रहते थे उन्हें बोलते थे ट्रोजन्स। क्या बोलते थे अपन? ट्रोजन्स। तो ट्रोजन्स को जो एनिमी था जो ब्रीच करना चाहता था उसने एक हॉर्स गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? वुडन बहुत बड़ा हॉर्स गिफ्ट किया। जो बोल रहा हूँ समझना, एनिमी ने ट्रोजन्स के बाहर, किंगडम के बाहर एक हॉर्स रख दिया, एंड जो ट्रोजन्स थे दे यूज टू बिलीव इन गॉड, उन्हें लगा सर ये गॉड का एक गिफ्ट है, तो उन्हें क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया। अब बेसिकली जैसे ही उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें पता नहीं था उस हॉर्स, वुडन हॉर्स के अंदर एनिमी के जो भी आप देखोगे पूरी टीम थी, आर्मी थी जो फाइट करने के लिए तैयार थी। तो समझना वो हॉर्स क्या हुआ, एक लेजिटिमेट प्रोग्राम हुआ। वो हॉर्स क्या हुआ, एक लेजिटिमेट प्रोग्राम था जिसे यूजर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा पर्पस सेटिस्फाई होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है, साथ में ट्रोजन्स अटैच है जो अगर आपके सिस्टम में आ गए तो मलिशियस एक्टिविटी करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आई होप एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इसी के साथ अपन कंप्लीट करते हैं ट्रोजन हॉर्स। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं ट्रोजन हॉर्स को क्या लिखा है। ट्रोजन हॉर्स इज अ मलिशियस प्रोग्राम, एक मलिशियस प्रोग्राम है दैट इज हिडन अंडर एनी ऑथोराइज प्रोग्राम। मैंने बताया था आप एक जेन्युइन, एक लेजिटिमेट, एक ऑथोराइज प्रोग्राम ले रहे हो, उसके साथ में क्या आ रहा है, एक मलिशियस प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स, एनी ऑथोराइज प्रोग्राम और होस्ट प्रोग्राम, एंड जनरली डू नॉट डैमेज होस्ट प्रोग्राम। सर होस्ट प्रोग्राम को डैमेज नहीं करेगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए क्या लिखा है। ट्रोजन हॉर्स इज एन इलिसिट कोडिंग, इलिसिट मतलब अनलॉफुल, जो मैंने बताया था, दैट इज कंटेन्ड इन अ लेजिटिमेट प्रोग्राम एंड कॉजेज एन इलेजिटिमेट एक्शन। सर अनऑथराइज एक्शन करेगा, एक्शन लाइक आपको नीचे मिलेगा, इट मे चेंज और स्टील द पासवर्ड, इट मे मॉडिफाई द रिकॉर्ड, जिस भी चीज के लिए बनाया गया ट्रोजन हॉर्स को वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो आई होप यहां तक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए ट्रोजन अपने आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं जाता है, अगर उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है तो वो फाइल को कॉपी करना जरूरी है, ट्रोजन फाइल को कॉपी करना जरूरी है। तो दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रोजन कैन नॉट कॉपी देमसेल्फ्स टू द अदर सॉफ्टवेयर इन द सेम और अदर सिस्टम्स, द ट्रोजन्स विल गेट एक्टिवेटेड ओनली इफ द इलिसिट प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। जिस प्रोग्राम में ट्रोजन हॉर्स है या जहां पर ट्रोजन फाइल है, अगर आप उसे कॉपी करेंगे तभी वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर सिस्टम only if unsuspecting users copies the Trojan program, अगर कोई person Trojan का program copy करता है अनजाने में तभी क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट होगा, नहीं तो बिना उसके वो एक्टिवेट नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज नॉट लाइक वर्म्स, अपन ने पढ़ा था वर्म्स तो सिस्टम से कनेक्ट कर लिया, अपने आप खुद को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करके ग्रो करना शुरू कर देते, ट्रैफिक क्रिएट करना शुरू कर देते। ट्रोजन्स के केस में ऐसा नहीं है, ट्रोजन की फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करना जरूरी है। और इसके साथ खत्म किया अपन ने ट्रोजन हॉर्स, वी आर डन विथ
Trojan horse, we are done with worms, we are done with rounding down, we are done with salami, we are done with trapdoors. Now we are left with 2 points and 2 points are bombs and data diddling. तो सबसे पहले अपन लेते हैं bombs और मतलब समझते हैं. सर बॉम्ब क्या है? एक बैड पीस ऑफ कोड. ये पीस ऑफ बैड कोड है. देखो ये सारी चीजें कोई भी अच्छे कोड्स नहीं है. कोड मतलब प्रोग्राम्स, राइट? दीज आर नॉट गुड प्रोग्राम्स, दीज आर बैड प्रोग्राम्स बिकॉज दे आर मेंट टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन और डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बॉम्ब भी क्या है सर? एक मलिशियस प्रोग्राम है. अब बॉम्ब दो टाइप के होते हैं बेसिकली. एक दिया गया है टाइम बॉम्ब और दूसरा दिया गया है लॉजिक बॉम्ब. समझते हैं दोनों कंसेप्ट को. यस, टाइम बॉम्ब जैसे कि आपने रियल वर्ल्ड में भी सुना होगा, जब अपन देखते हैं मूवीज में, जब तक हिजाम में जैसे बताया गया था बॉम्ब्स, राइट? टाइम बॉम्ब बताया गया था. शाहरुख खान वॉज एन आर्मी ऑफिसर, वो क्या करता था? डीएक्टिवेट करता था टाइम बॉम्ब्स को. तो टाइम बॉम्ब का पर्पस क्या है सर? सिंपल सा है, दिल डिफाइन टाइम, राइट? वो टाइम बता देते हैं. फिजिकल वर्ल्ड के टाइम बॉम्ब की अभी बात कर रहा हूं मैं. जो टाइम होता है वो डिफाइन कर देते हैं. जैसे ही वो टाइम आता है वो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, राइट? गेटिंग द कंसेप्ट? सिमिलरली आपका कंप्यूटर में भी एक टाइम बॉम्ब बनाया जाता है. अगर वो बॉम्ब को आपने प्लेस किया, एक्टिवेट किया, तो वो खुद को सिंक्रोनाइज कर लेता है किसके साथ? कंप्यूटर की क्लॉक के साथ. और जैसे ही वो डिफाइंड टाइम आता है वो क्या करता है? खुद को एक्सप्लोड करता है. और जैसे ही एक्सप्लोड करता है इंपैक्ट किस पे आएगा? आपके सिस्टम पे आएगा. क्या होगा सर? फाइल्स करप्ट हो सकती है, फाइल डैमेज हो सकती है, डेटा लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट सर? टाइम बॉम्ब. टाइम बॉम्ब टाइम के आने पे ही ब्लास्ट होता है, आई मीन टू से डिस्ट्रक्शन या डैमेज कॉज करता है. कंफर्टेबल? चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट सर? लॉजिक बॉम्ब. What is logic bomb, sir? Again, it's a piece of bad code, but ये logic पे work करता है. Suppose मैंने एक file बना दी और उसका नाम दे दिया delete not. क्या file का नाम क्या दे दिया? Delete not. और मैंने program ऐसे किया file को कि अगर कोई भी ये file पे right click करके delete करता है तो immediately blast हो जाना. जो चीज़ बोलो समझ आए? मतलब मैंने logics define कर दिए कि ये activity के होने पे ये चीज़ हो जानी चाहिए. अगर कोई ये file को delete करता है तो bomb क्या होना चाहिए? Explode होना चाहिए. I hope you all are conceptually clear. जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब समझिएगा. लॉजिक बॉम्ब ने क्या किया? मैंने सपोज बना दी ये फाइल, किसी को दे दी. अब जैसे डिलीट नॉट पड़ेगा सबसे पहले वो क्या करेगा? डिलीट करने की ही कोशिश करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ही वो डिलीट करता है इमीडिएटली क्या होगा? वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा. तो इसके साथ क्या खत्म कर रहा हूं मैं? बॉम्ब्स. आई होप पूरा बॉम्ब का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा सबको. पढ़ लेते हैं बॉम्ब्स और कंप्लीट करते हैं. बॉम्ब इज अ पीस ऑफ बैड कोड. सर्कल द वर्ड पीस ऑफ बैड कोड दैट इज डिलिबरेटली प्लांटेड बाय एन इनसाइडर और सप्लायर ऑफ प्रोग्राम. सर किसने प्लान किया है? इनसाइडर और सप्लायर ऑफ द प्रोग्राम में. द बॉम्ब एक्सप्लोड्स व्हेन द कंडीशंस ऑफ गेट्स फुलफिल्ड. कंडीशंस ऑफ एक्सप्लोजन गेट्स फुलफिल्ड. However, these programs cannot infect other programs. मतलब वो infect नहीं करते, वो direct explode करते, वो damage कर देते. Bombs are generally of two types, time bomb and logic bomb. Time bomb में क्या लिखा है? A physical time bomb explode at the time it is set for. Physical मतलब real world का. Likewise, the computer time bomb causes damage. Likewise, computer time bomb causes damage as disruption of computers, modifications, destruction of stored information on a particular date and time for which it has been set for. जो भी time होता है उस पर क्या होता है? ये bomb explode होता है. आते हैं next point, logic bomb. Logic bombs are activated by combination of events. For example, if a file name delete not is deleted, then destroy memory contents. अब कोई भी अगर ये file को delete करता है तो immediately क्या होगा? Memory के contents पूरे चले जाएंगे. तो comfortable with time bomb and logic bomb? और इसके साथ bombs क्या कर रहे हैं? Complete कर रहे हैं. Last point आ रहा है data diddling. चलिए data diddling का मतलब क्या है? Data को change करना. कोई भी अगर अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करके डेटा को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तो उसे क्या बोला गया है? डेटा डिडलिंग. दैट्स योर लास्ट एक्सपोजर. डेटा डिडलिंग इन्वॉल्व्स डेटा इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ डेटा बिफोर और आफ्टर दे हैव एंटर्ड इनटू द सिस्टम. एंड विद दिस वी आर डन विद व्हाट सर? टेक्निकल एक्सपोजर्स. सबको सारे टेक्निकल एक्सपोजर्स अच्छे से समझ में आए होंगे. Take 5 to 10 minutes, read it, learn it, prepare it, finish it, right? जैसे ही आप ये करते हैं फिर मैं लूंगा next point, that is computer crime and exposure. शुरू करिए पढ़ना. चलिए आप चलते हैं आगे. I hope आप सब comfortable होंगे इसके साथ में. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर्स. क्या मिल रहा है अपन सबको? कंप्यूटर
क्राइम एक्सपोजर्स। बड़ा सिंपल है सर, देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए। अगर ये कंप्यूटर क्राइम जो ऊपर डिस्कस किए गए वो होते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, आप क्या एक्सपोजर फेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस यू में फेस, इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर इनडायरेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ फंड्स हो सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट क्या बोल रहा है, से फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रिपेयर हो सकते हैं, मतलब यू मे फेस व्हाट, फाइनेंशियल लॉसेस। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, लीगल रिपरकशंस। एक सिंपल सा मतलब है, लीगल रिपरकशंस का मतलब है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। Say for example, a hospital. Hospital has to ensure confidentiality of data of its patients, right? एक hospital को अपने patients के data की confidentiality ensure करनी ज़रूरी है। अगर कोई भी way में कोई unauthorized access करता है, data को leak करता है, तो sir hospital पे legal impact आ सकता है sir। जो भी उसके patients है वो उस पर lawsuit file कर सकते हैं, उनके against में जा सकते हैं। That's point number two। तो अगर ये भी चीज़ें होती है तो legal repercussions भी आ सकते हैं। दो point बड़ा easily समझ में आ गया। First point क्या हुआ, financial loss। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, अपना लीगल रेपरकशंस। कंफर्टेबल एवरीवन? थर्ड पॉइंट क्या रहा है सर, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एज। समझो ना, अगर बैंक है, बैंक की इंफॉर्मेशन आउट हो जाती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों अनऑथराइज पर्सन तक चली जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है, तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज, मेनी कंपनीज स्पेशली द फर्म्स सच एज बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स नीड क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। और सर क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट के लिए सर ये चीज खत्म होनी नहीं चाहिए, अनऑथराइज डिस्क्लोजर होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, ब्लैकमेल। सिंपल है सर, अगर किसी ने आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया है तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं फॉर दैट इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। दीज इवेंट्स अगर ये चीज होती है तो उससे आपका क्या हो सकता है, रेपुटेशन स्पॉइल हो सकता है, सैबोटेज डैमेज हो सकता है। बहुत जनरल पॉइंट से 6 पॉइंट आप पढ़ लो, याद हो जाएंगे। बस मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, पहला फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, लीगल रेपरकशंस आ सकते हैं, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो सकती है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, ब्लैकमेल कर सकते हैं, सैबोटेज हो सकता है। और ये 6 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। कंफर्टेबल एवरीवन, लर्न दी 6 पॉइंट्स। फिर उसके बाद आ रहा है स्पूफिंग, उसका मीनिंग समझा देता हूं। स्पूफिंग का मतलब होता है होक्सिंग, यस, होक्स करना, फोर्ज करना, बेसिकली फोर्जिंग, राइट, फोर्ज करना। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मेल भेजा प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम, से फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड बैंक, मैंने आपको मेल भेजा प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम एक्स वाई जेड बैंक, तो मैं स्पूफ कर रहा हूँ किसे, बैंक को, मैं फोर्ज कर रहा हूँ, मैं गलत वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज वॉट योर स्पूफिंग अटैक इज। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके साथ में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़ लो, बहुत ईजी टॉपिक है, रिपीटेशन है, सिंपल चीज है, क्विकली पढ़ के लर्न करो। फिर लेते हैं पॉइंट नंबर सी, दैट इज ए सिंक्रोनस अटैक्स। चलिए पढ़ना शुरू करिए, फटाफट ट्वीट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप कंफर्टेबल होंगे। अभी तक अपने 3 की क्वेश्चंस कवर किए, लॉजिकल एक्सेस पास किया, टेक्निकल इश्यूज किया एंड इंपैक्ट पढ़ा। तीनों पॉइंट आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन लेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एसिंक्रोनस अटैक्स। क्या लेने वाले, एसिंक्रोनस अटैक्स। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, समझना कंसेप्ट और फिर पढ़ेंगे। एसिंक्रोनस अटैक्स मतलब वो अटैक्स जो किसी नेटवर्क पे किए जाते हैं, किसी नेटवर्क पे किए जाते हैं। आज समझो, आज अगर नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्यू तो नेटवर्क पे भी होगी, क्योंकि डेटा पैकेट्स जा रहे हैं, डेटा पैकेट्स आ रहे हैं। अगर एक डेटा पैकेट जा रहा है तो उसके आगे पहले से बहुत सारे डेटा पैकेट्स होंगे, मतलब वो क्यू में खड़ा होगा। हो सकता है जब कोई डेटा पैकेट नेटवर्क पे हो तो उस पर अनऑथराइज अटैक हो, और उस अटैक को क्या बोला गया है, एसिंक्रोनस अटैक्स। यस, दैट इज अटैक्स ऑन नेटवर्क और फ्रॉम अ नेटवर्क जो भी होते हैं उन्हें क्या बोला गया है, एसिंक्रोनस अटैक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले अपन रीड करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसे समझेंगे, फिर उसके डिफरेंट अटैक्स अपन टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है एसिंक्रोनस अटैक्स, न्यूमरस ट्रांसमिशंस मस्ट वेट फॉर क्लियरेंस ऑन द लाइन, विच लाइन, कम्युनिकेशन लाइन। तो एक सिंपल सी चीज बोली गई है सर, ये हमारी है कम्युनिकेशन लाइन, इस पे जा रहे हैं हमारे डेटा पैकेट्स, राइट। ये डेटा पैकेट जो जा रहे हैं इन पे क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है, या फिर ये कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू किसी सर्वर पे अटैक हो सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? देखो क्या बोला है, न्यूमरस ट्रांसमिशंस मस्ट वेट फॉर क्लियरेंस बिफोर डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड, डेटा दैट इज वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड, डेटा दैट इज
waiting to be transmitted are liable to unauthorized access called asynchronous attacks. Getting a point? समझ में आ रहा होगा सर. जो नेटवर्क के थ्रू या नेटवर्क पे अटैक होता है उसे बोलते हैं asynchronous attack. अब इसमें आपको पांच मिलेंगे. पहले नाम रीड कर लेते हैं. पहला क्या आ रहा है? डेटा लीकेज. फर्स्ट इज वॉट? डेटा लीकेज. सेकंड क्या आ रहा है आपका? सबवर्सिव थ्रेट. सेकंड क्या आ रहा है आपका? सबवर्सिव थ्रेट. थर्ड आ रहा है आपका वायर टैपिंग. फोर्थ आ रहा है पिगी बैकिंग. एंड फिफ्थ आ रहा है शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. क्या आ रहा है? शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब अपन इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, समझेंगे. सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सब मेरे साथ आएंगे किस पे? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पे. तो देखिए समझिए मैं कैसे समझा रहा हूं. ये है से फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट, ये है मेरा सर्वर. सब मेरे साथ समझना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझ गए कभी भूलोगे नहीं. क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है. किसके बीच में कम्युनिकेशन होता है? क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है. बट समझो, फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन देर आर सर्टेन प्रोटोकॉल, सर्टेन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड. मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो थोड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, थोड़े रूल्स होते हैं जो फॉलो करना जरूरी है. से फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट सर्वर TCP/IP पे चलता है, राइट? अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो समझते हैं. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप सबने सुना होगा TCP/IP. इस प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन बेस्ड है. कंफर्टेबल यहां तक? अब समझो ये कैसे वर्क करता है. अकॉर्डिंग टू इट, अगर क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले क्लाइंट को एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सिंक्रोनाइजेशन की. किसकी रिक्वेस्ट भेजेगा? सिंक्रोनाइजेशन की. कौन? क्लाइंट सर्वर को. कंफर्टेबल यहां तक? क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है. किसकी? सिंक्रोनाइजेशन की. समझ में आ रहा है? अब सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा. सर्वर क्या करेगा? यहां पे उसके पास में जो लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, बोल रहा हूं समझना, लॉजिकल पोर्ट, उसे वो क्या करेगा? बुक करेगा और क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के साथ. वो क्या करेगा? सिंक्रोनाइजेशन को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, हमने आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव किया है, हमने उसे एक्सेप्ट किया है, हमने अपने पोर्ट को आपके लिए बुक किया है जो आपको क्या करेगा? फर्दर सर्विस प्रोवाइड करेगा. लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है. वो पोर्ट को बुक किया यहाँ पे, लेकिन पोर्ट सर्विस कब प्रोवाइड करेगा? जब क्लाइंट वापस से ये जो एक्नॉलेजमेंट आया है इसके पास, उसे क्या करे? कंफर्म करे. मतलब वापस से वो क्या करे? क्लाइंट एक्नॉलेज करे कि हाँ, हमने आपका एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन रिसीव कर लिया है. मतलब समझो TCP/IP में थ्री वे हैंडशेक हो रहा है. कितना वे हैंडशेक हो रहा है? थ्री वे हैंडशेक हो रहा है. पहला, क्लाइंट को सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वेस्ट सेंड करनी जरूरी है. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? क्लाइंट को सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वेस्ट सेंड करनी जरूरी है. इतना समझ में आया? कंफर्टेबल? सर्वर जैसे ही वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा उसे एक्नॉलेज करेगा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन को एक्नॉलेज करेगा और अपने लॉजिकल पोर्ट्स जो बेसिकली क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे उन्हें बुक करेगा. याद रखना, यहाँ पे सिर्फ बुक हो रहा है, पोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. तो उसने क्या किया? बुक किया. और फाइनली अब जो क्लाइंट है वो क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, हमने आपका सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया है. जैसे ही ये थर्ड हैंडशेक होता है, जो पोर्ट्स बुक किए गए थे वो आपको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे. तो ये तो कंसेप्ट है किसका? TCP/IP का. कंफर्टेबल यहां तक? अब समझो हैकर इसे कैसे एक्सप्लॉइट करता है. हैकर्स क्या करते हैं या अनऑथराइज्ड पर्संस क्या करते हैं? बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. बहुत सारी क्या करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डिफरेंट आईपी एड्रेस से. मतलब वो यूजिंग सॉफ्टवेयर अपना आईपी एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. सर्वर क्या कर रहा है सर? सारी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर रहा है और अपने पोर्ट्स को जो डिफरेंट आईपी एड्रेस से आ रहे हैं उन्हें क्या कर रहा है? बुक कर रहा है. समझो, एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए. सपोज सर्वर के 100 पोर्ट है. कितने पोर्ट है? 100 पोर्ट से. और मैं क्या हूं? से फॉर एग्जांपल एक हैकर हूं. मैंने डिफरेंट आईपी एड्रेस से यूजिंग अ सॉफ्टवेयर में क्या करता हूं? डिफरेंट आईपी एड्रेस जनरेट कर लेता हूं. मैंने किसे भेजे सर रिक्वेस्ट? अरे सर्वर को भेज दिए. अब सर्वर ने अपने सारे के सारे पोर्ट्स बुक कर दिए, लेकिन मैंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया. मैंने यूजिंग अ सॉफ्टवेयर की थर्ड हैंडशेक को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया है. क्या किया? ब्लॉक किया. मतलब पोर्ट्स बुक हो गए,
फाइनल कंफर्मेशन रिसीव नहीं हो रहा है तो पोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सारे पोर्ट्स बुक हो चुके हैं, सर्विस प्रोवाइड नहीं करे। कोई भी अगर जेन्युइन कस्टमर आके बोलेगा कि मुझे आपका सिस्टम यूज करना है, समझ रहे हो, तो मैसेज क्या आएगा, सर्वर नॉट फाउंड। और कभी लोड ज्यादा बढ़ जाता है तो देखा गया है सर्वर अपने आप खुद को क्या कर लेता है, शट डाउन कर लेता है। इसलिए से और क्या बोला गया है, शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या हुआ, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखो इसे अटैक इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हैकर के मलिशियस इंटेंशन थे, वो आपको हार्म करना चाहता था, आपके सिस्टम को इंटरप्ट करना चाहता था, डिसरप्ट करना चाहता था। जो चीज मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो याद रखना, थ्री वे हैंडशेक होना चाहिए, थ्री वे हैंडशेक होना चाहिए, बट जो क्लाइंट है, जो हैकर है, वो थर्ड हैंडशेक होने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सारे पोर्ट्स क्या हो रहे, बुक हो रहे, बुक हो रहे। इसका मतलब वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे किसे, लेजिटिमेट और जेन्युइन यूजर्स को। ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, बट ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक नहीं है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट डिनायल ऑफ सर्विस है। कैसे, जिस दिन आपके रिजल्ट्स आते, समझो सारे के सारे यूजर कहाँ पहुंच जाते हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। अब सर्वर के पोर्ट्स होते हैं, उनकी एक लिमिट है सर्विस प्रोवाइड करने की, इतने सारे यूजर्स होते हैं कि पोर्ट फुल हो जाता है। तो कभी कभी आप जब एक्सेस करते हो तो मैसेज आता है सर्वर नॉट अवेलेबल और सर्वर नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि सारे पोर्ट्स क्या हो गए, फुल हो गए। लेकिन इस केस में सारे यूजर्स क्या है, जेन्युइन है, और यहाँ पे क्या था, हैकर का मलिशियस इंटेंशन था, इसलिए इसे क्या बोला गया है, अटैक बोला गया है। क्या बोला गया है, अटैक। कंफर्टेबल, एक बार अपन रीड करेंगे, हर चीज को समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। चलो देखो पढ़ते क्या लिखा है, पेज नंबर 3.25, पॉइंट नंबर 5, शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर व्हेन अ यूजर एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन। यूजर एस्टैब्लिश कर रहा है कनेक्शन थ्रू ऑन इंटरनेट थ्रू TCP/IP। मैंने बताया क्या यूज कर रहे, TCP/IP, अ थ्री वे हैंडशेक। सर्कल द वर्ड TCP/IP एंड थ्री वे हैंडशेक, कर रहे सब सर्कल। अ थ्री वे हैंडशेक टेक्स प्लेस बिटवीन सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स। पहले क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये सर्वर से क्लाइंट के पास जा रहा है, एंड थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स। आप ये जरूर ड्रॉ करना, इससे क्लैरिटी रहेगी कैसे हैंडशेक हो रहा है, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो अपन ने कंसेप्ट बताया कैसे एक्चुअली चीजें वर्क करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंप्यूटर हैकर्स ट्रांसमिट्स हंड्रेड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स। मतलब हैकर क्या सेंड करे, सिंक्रोनाइजेशन के रिक्वेस्ट सेंड करे, बट कभी भी रेस्पॉन्ड किससे नहीं कर रहे, एक्नॉलेजमेंट से। सो कंप्यूटर हैकर ट्रांसमिट्स hundreds of synchronization packets to the receiver but never responds with an acknowledgement to complete the transaction or complete the connection. मतलब जो connection को complete करने के लिए acknowledgement की जरूरत है वो कभी send नहीं करे। As a result, ports on the receiver server, देखो मैंने बताया था ports क्या हो रहे, book हो रहे, क्या हो रहे, as a result ports on the receiver server are clogged with incomplete communication request and legitimate users are prevented from using the system. This is also known as what, connection flooding. Highlight karna ise aur kya bolte hain, connection flooding. Kyun, bahut sare connections aa gaye lekin wo connections complete nahi ho rahe jiski wajah se server down ho raha hai. To exam mein puch sakte hain, write a short note on connection flooding. So you should know connection flooding ka matlab kya hai. Yahan pe what they are trying to ask is denial of service attack. Comfortable everyone? When overloading happens, some systems have proved to be vulnerable to shutting down themselves. जब भी ओवरवर्क हो जाते, ओवरलोड हो जाते, तो वो खुद को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। And hackers use this technique to shut down computer systems over internet. I hope I've made it very clear. बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया क्या होता है denial of service attack. क्विकली 5 मिनट लो, अच्छे से पढ़ो, समझो, इसे नोट कर लो, रीड करो, लर्न करो, फिर अपन चलते आगे। शुरू करो एक बार पढ़ना। चलिए, आई होप आप कंफर्टेबल होंगे सब। आते हैं आगे। अब अपने पास देखो ऊपर क्या बचा है, वायर टैपिंग एंड पिगी बैकिंग, दोनों का मतलब समझ लेते हैं। वायर टैपिंग का मतलब बड़ा सिंपल है सर, वायर टैप करना मतलब क्या होता है, स्पाइक करना, यस, ईवड्रॉपिंग। कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा है, डेटा जा रहा है, आ रहा है नेटवर्क पे, आप उसे मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है, दैट इज व्हाट योर वायर टैपिंग इज। रीड कर लेते हैं, दिस इन्वॉल्व्स स्पाइंग, सर्कल द वर्ड स्पाइंग ऑन द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्या रहा है सर, पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अभी आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से जा रहा हूं मैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, उसे आप चेंज कर रहे हो, और जो आपने सेंड किया था और रिसीवर जो
रिसीव कर रहा है वो कुछ अलग हो रहा है। कैसे, वापस से समझ लो। सपोज ये सेंडर है, सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया किसे, रिसीवर को। ये मैसेज जा रहा है लेकिन यहाँ पे आ गया एक डेविल, डेविल ने क्या किया, इंटरप्ट और मैसेज को क्या किया, चेंज कर दिया। सपोज वो ए बी सी था तो उसे कर दिया उसने एक्स वाई जेड, डेविल ने क्या किया उसे एक्स वाई जेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है किसका, उस मैसेज का। तो उसे यहां पे क्या बोला गया है आपके लिए, पिगबैकिंग। देखो रियल मतलब थोड़ा अलग होता है, वो मैं बाद में एक और बार डिस्कस कर लूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा साइबर क्राइम्स एंड फ्रॉड्स। अभी जो यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से आपको मैं समझा के लर्न कराता हूँ। देखिए क्या लिखा है, पिगी बैकिंग, दिस इज द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एन ऑथराइज पर्सन थ्रू सिक्योर डोर और इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग टू एन ऑथराइज टेलीकम्युनिकेशन लिंक दैट इंटरसेप्ट्स एंड ऑल्टर्स ट्रांसमिशन। हाईलाइट करो, आप इंटरसेप्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो किसे, ट्रांसमिशन को, और उसे क्या बोला गया है, piggybacking. Comfortable? So we are done with wiretapping, we are done with piggybacking, we are done with shutting down. Come on, previous page, page number 3.24, aapko do point aur milenge, subversive threads and data leakage. And subversive threads same hai, almost same hai wiretapping and piggybacking ke jaise. Ek baar read karenge aapko pata chalega, haan sir cheeze kya hai, same hi hai. Subversive ka matlab again disruptive ho gaya, jo kya karenge, damage karenge, disrupt karenge. And intruder attempts to violate the integrity of some components. Highlight karo, violate integrity. Violate kya karna chahte ho, integrity of some components. Subversive attacks can provide intruders with important information. Highlight karo, subversive attacks kya provide karenge, intruder ko with important information about the message being transmitted. And intruder can manipulate these messages in many way. फर्स्ट पॉइंट आ रहा है सर, इनवेसिव टैप। फर्स्ट पॉइंट मिलना चाहिए, इनवेसिव टैप मिल रहा है सबको। By installing it on communication line, one may read and modify data. Modify and read मतलब क्या हो गया, almost similar to piggybacking, वही चीज बोल रहे हैं, कोई भी read और modify कर सकता है, पहला attack हुआ। Second क्या बोल रहे हैं, inductive, it monitors electromagnetic transmissions and allows data to be read only. मतलब second में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ read कर सकते हो, that is as good as wiretapping. तो concept समझ में आ रहा है, it is same as piggybacking and wiretapping, मैंने आपको पूरा clear कर दिया है और इसके साथ में answer क्या होता है, complete होता है। Final point क्या आ रहा है सर अपने लिए, डेटा लीकेज क्या आ रहा है, पॉइंट डेटा लीकेज, डेटा लीकेज क्या बोल रहा है, डेटा लीकेज इन्वॉल्व्स लीकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर बाय स्टीलिंग कंप्यूटर रिपोर्ट्स एंड टेप। कोई भी क्या कर सकता है, कंप्यूटर के रिपोर्ट्स और टेप को स्टील कर सकता है, दैट्स इट। और इसके साथ क्या कंप्लीट किया अपने, पूरा एसिंक्रोनस अटैक्स। 5 मिनट दे रहा हूं, फटाफट अच्छे से पूरा एसिंक्रोनस अटैक्स स्टडी कर लो, लर्न कर लो, इजी है। इसमें तीन मेन है जो अच्छे से याद होनी चाहिए, डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, पिगी बैकिंग हो गया, वायर टैपिंग हो गया। ये समझ में आ गया तो आप देखोगे कि सबवर्सिव अटैक्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और फाइनली क्या है आपके पास में, डेटा लीकेज। चलो फटाफट 5 मिनट में पढ़ना शुरू करो। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपका, वेज बाय विच, हाईलाइट करो, रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का कंट्रोल। हाईलाइट करना, रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। रिमोट आप किसी को, आप एक जगह हो, एक्स लोकेशन पे, एक्स से वाई लोकेशन पे जो कंप्यूटर है उसके साथ आप क्या करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसकी बात की गई है। ये हिडन क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सी चीजें बात करें, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। टीम व्यूअर से आप कैसे रिमोट लोकेशन को कनेक्ट करते हो, आज मैं बड़ौदा में हूं, अगर मैं चाहूं तो एक्स वाई जेड कोई भी दूसरी सिटी में यूजिंग टीम व्यूअर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता हूं, अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं आज एक्स लोकेशन पे हूं और मुझे वाई लोकेशन के कोई सिस्टम की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है तो कनेक्शन पॉसिबल है, बट व्हाट माय पॉइंट इज, मैं उस कनेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, उसे यह इंश्योर करना चाहता हूं कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही क्या करे, एक्सेस करे। तो उसके लिए क्या कंट्रोल से पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट, Having a terminal lock can ensure physical security to some extent. Sir, जहां भी मेरा सिस्टम है जिसके थ्रू आप दूसरे सिस्टम को एक्सेस करोगे उसे एक सिक्योर्ड एनवायरमेंट में रखो ताकि कभी भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर पाए। तो हाईलाइट करना, टर्मिनल लॉक एंड फिजिकल सिक्योरिटी, यहां पर बात करें फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम की। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशंस दैट कैन बी रिमोटली एक्सेस शुड बी कंट्रोल्ड एप्रोप्रिएटली। अगर मैं कोई एप्लीकेशन को, एक लोकेशन पे हूं मैं और दूसरी लोकेशन पे जो मेरा सर्वर है उसमें एप्लीकेशन उससे कनेक्ट कर सकता हूं तो मुझे उसे प्रॉपरली सिक्योर करना जरूरी है, मतलब सर्वर की एप्लीकेशन को प्रॉपरली सिक्योर करना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल उसमें आईडी पासवर्ड का मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई भी अगर उसे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट प्लेस कर रहा है तो फर्स्ट
द एप्लीकेशन शुड आस्क फॉर आईडी एंड पासवर्ड, और अगर जो डिफाइंड आईडी पासवर्ड है वो मिलता है तभी वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने देगा, नहीं तो एस्टैब्लिश करने नहीं देगा। देखो टीम व्यूअर में भी यही कंसेप्ट होता है, आपने देखा होगा अगर आपको कनेक्ट करना होता है तो रिसीवर को पहले एक पासवर्ड डालना रहता है, सेंडर जो कनेक्ट करना चाहता है, जो एक पर्सन कनेक्ट करना चाहता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, उसे एक पासवर्ड एंटर करना रहेगा। जब वो पासवर्ड मिलेगा, सामने वाला रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके क्या होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। गेटिंग मी पॉइंट? दैट्स योर पॉइंट नंबर टू, समझ में आ रहा होगा। पहले दो पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट, द टर्मिनल एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एट द रिमोट लोकेशन शुड बी मॉनिटर। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद जो भी एक्टिविटी चल रही है, जिस भी सिस्टम से आपने खुद को कनेक्ट किया है वहां पे जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसे क्या करो, मॉनिटर करो। देखो समझ लो, ये है C1, C1 को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ किसके साथ में, C2 के सामने। आर यू विद मी? तो पहली चीज क्या बोला, C1 जो कनेक्ट हो रहा है तो, और C2 एक तो फिजिकली सिक्योर्ड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फिजिकली सिक्योर्ड होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, अगर C1 को कनेक्ट करना है C2 के साथ में तो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म वर्क करना चाहिए जिससे अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सके। सपोज C2 शुड आस्क फॉर आईडी एंड पासवर्ड, अगर C1 प्रोवाइड करेगा तभी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाएगा। अब कनेक्शन अगर एस्टैब्लिश हो भी जाता है तो जो भी C1 C2 पे एक्टिविटीज कर रहा है उसे क्या करो, मॉनिटर करो, उसे क्या करो, मॉनिटर करो। कंफर्टेबल एवरीवन? तीन पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। थर्ड पॉइंट ये लिखा है, टर्मिनल एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस एट रिमोट लोकेशन शुड बी मॉनिटर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम देयर शुड बी प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म्स ओवर डॉक्यूमेंटेशंस एंड मैनुअल्स। सर हो सकता है बैकडोर्स बनाए गए हो प्रोग्रामर्स ने, जब प्रोग्राम को बनाया था तो उसमें बैकडोर्स का प्रोविजन रखा हो खुद के लिए, और वो बैकडोर्स कहाँ पे डॉक्यूमेंटेड रहते हैं, सिस्टम मैनुअल्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सिस्टम में एंटर होने का एक तो फ्रंट डोर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बैकडोर हो सकता है। अब जो बैकडोर है वो आप डॉक्यूमेंट करोगे सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में आपके, एंड मेक श्योर वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कभी भी किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो वो अनऑथराइज्ड वे में सिस्टम को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट हो गए, बहुत ईजी थे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, डेटा ट्रांसमिशन ओवर रिमोट लोकेशन शुड बी कंट्रोल्ड। सर ट्रांसमिशन को क्या करो, कंट्रोल control करो, कंट्रोल्स लगाओ। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो रही है और सेम फाइल बहुत सारी जगह है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए स्टूडेंट्स की फाइल है, मेरी स्टूडेंट्स की फाइल 4 लोकेशन पे है, तो चारों लोकेशन पे स्टूडेंट्स की फाइल का कंटेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन रेप्लिकेटेड कॉपीज, सर्कल द वर्ड रेप्लिकेटेड कॉपीज ऑफ फाइल एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशन इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल आइडेंटिकल कॉपीज कंटेन सेम इन्फॉर्मेशन। सारी और कॉपीज में इन्फॉर्मेशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और इसके साथ में पॉइंट नंबर डी क्या करते हैं, अपन कंप्लीट करते हैं, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर रहना, वेज बाय विच रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कैन बी कंट्रोल्ड। उसके बाद आ रहा है C.4, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स। अब ये सब आपको पता होंगे, हैकर्स हो सकते, एम्प्लॉयज हो सकते, IS पर्सनल हो सकते, फॉर्मल एम्प्लॉयज हो सकते, एंड यूजर्स मतलब समझ लो जो भी डिससेटिस्फाइड पर्सन है, अनऑथराइज पर्सन है, वो आके आपके अगर सिस्टम को अनऑथराइज वे में एक्सेस करता है तो वो क्या हो गया, वायलेटर। कोई भी अगर अगेंस्ट एक्सेस राइट एक्सेस करता है तो वो क्या हो जाएगा, वायलेटर हो जाएगा। तो ये आप पढ़ लेना C.4, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ना ही इसमें कुछ टेक्निकल है। सो रीड इट वंस एंड विद दिस वी आर डन विद कंप्लीट C.4। आपको सबको समझ में आया होगा C.4 जो मैंने बताया, C.3, C.2, C.1. Now we are left with only last part, that is what, logical access controls, right? डिटेल में सारे कंट्रोल्स डिस्कस किए गए हैं, लेकिन ये वीडियो में वो चीज मैं कवर नहीं कर रहा हूं। ये एक पार्ट बनाया मैंने, Part 1 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का, अब बनेगा Part 2। मेक श्योर ये जो Part 1 है आप अच्छे से इसे स्टडी कर लो, इसमें कोई भी पॉइंट आपका मिस आउट होना नहीं चाहिए, अच्छे से लर्न कर लो। एंड आफ्टर दिस after being done with this part, फिर आप क्या शुरू करना, next part, that is logical access controls के controls का portion. Fine, thank you so much, see you in the next lecture.